दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ के बारे में दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपसे शेयर करेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है और डायबिटीज़ होने के मुख्य कारण क्या होते हैं, कुछ डायबिटीज़ से संबंधित चीज़ें आपसे बात करेंगे और इसके लिए होम्योपैथिक में कुछ एक दवाओं के बारे में आज जिक्र करेंगे, क्योंकि होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाएँ हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो सारी दवाओं का एक साथ में बात करना नहीं हो पाएगा, तो कुछ एक दवाओं के बारे में, कुछ सिम्टम्स के बारे में आज आपसे बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे कहा जाता है कि यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। सही में डायबिटीज़ कोई अपने आप में बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां ऑटोमेटिक शरीर में आनी शुरू हो जाती हैं। यानी कह लीजिए कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो अपने साथ में बहुत सारी बीमारियों को लेकर के आती है, चूँकि एक ऐसी परिस्थिति बना देती है शरीर के अंदर में जिसकी वजह से बीमारियाँ अपने आप पनपना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों डायबिटीज़ का अगर हम थोड़ा सा विच्छेद करें, डायबिटीज़ को समझें कि डायबिटीज़ मेलाइटिस, दो तरह की डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ इंसिडिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसके हम बात करते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन क्या होती है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस में जिसके अंदर में यूरिन में शुगर की मात्रा नहीं जाती है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है और ये ज़्यादातर बच्चों में होती है या और भी लोगों के अंदर में हो सकती है, लेकिन उनके अंदर में डायबिटीज़ का कोई लक्षण नहीं होता है सिवाय इसके कि बार बार बाथरूम लगती है, ठीक है। लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटस जिनको होती है, जिसको हम लोग वाकई में शुगर कहते हैं, उसके अंदर में क्या क्या होता है, पहले हम शब्द पे चले जाते हैं। डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है, डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है दोस्तों, डायबिटीज़ का अर्थ ये होता है बार बार या ज़्यादा मात्रा में पेशाब का होना, डायबिटीज़ का अर्थ ये होता है। और मेलाइटस का अर्थ होता है मीठा, यानी ज़्यादा मात्रा में यूरिन पास होना, और उसके अंदर में अगर आप पैथोलॉजिकली चेक करें तो आपको शुगर मिले या ग्लूकोज मिले, या वहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि जिनको शुगर हुआ होता है अगर वो बाथरूम करते हैं कहीं पे, अगर ज़मीन पे कर दें वहाँ पे पानी ना पड़े तो चींटियाँ आने लगती हैं, चूँकि वो मीठापन होता है उसके अंदर में, ग्लूकोज की मात्रा होती है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस का अर्थ क्या हुआ, ज़्यादा मात्रा में बाथरूम और शुगर उसके साथ में हो, ठीक है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि अगर शुगर कहीं पे होता है तो, या मीठापन कहीं पे होता है, मीठा कहीं पे होता है, तो उसके अंदर में चींटी या जो फंगस या और भी जितने तरह की चीज़ें होती हैं वो जल्दी लग जाती हैं, है ना। यानी फंगल इन्फेक्शन का होना या कोई और इन्फेक्शन का होना, ये एक ऐसा सर्कमस्टांसेस बॉडी के अंदर क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा तेज़ी से पनपने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटीज़ अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारियों की जड़ है, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि मीठा जहाँ पे होता है वहाँ पे जानते हैं कि फंगस होगा, है ना, सड़न पैदा होगी वहाँ पे, सड़न पैदा होगी तो बीमारियाँ होंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये कारण होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ के कारण और क्या क्या कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। डायबिटीज़ के कारण शरीर में और भी कई प्रकार की कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं दोस्तों। जैसे एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का कम हो जाना, ये कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। एक कंडीशन दोस्तों और हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कीटोसिस। कीटोसिस का मतलब क्या होता है कि जब भी शरीर में रिक्वायर मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है जिससे शरीर ऊर्जा उत्पन्न करता है, जब शरीर को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता है तो शरीर क्या करता है कि शरीर में जो फैट होता है, इकट्ठा होता है जो फैट, उस फैट को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, फिर वहाँ से उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में। इस प्रक्रिया में कीटोन का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, और इसको कहते हैं कीटोसिस की प्रक्रिया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप देखेंगे कि जब बॉडी के अंदर में ऑलरेडी फैट कम है और फैट
निकलता चला जा रहा है, बॉडी में आप कार्बोहाइड्रेट ले नहीं पा रहे हैं चूँकि डॉक्टर वैसे मना कर देते हैं, फैट ज़्यादा चीज़ें आप ले नहीं पा रहे हैं, जो तो फैट जो पहले से पड़ा हुआ तो क्या होता है, वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाता है, और कम होने की वजह से ये धीरे धीरे कंडीशन ऐसी डेवलप हो जाती है कि इंसान और दुबला होना शुरू हो जाता है दोस्तों। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कीटोसिस। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में जबकि कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है, चूँकि उसका एसिडिक नेचर होता है इसलिए एसिडोसिस डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर में, यानी जो ब्लड का लेवल होता है, जो ब्लड के अंदर में नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए अल्कलाइन वाली, वो अल्कलाइन या उसको बोलिए कि बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन, जिससे जो पीएच लेवल होता है वो 7.4 होता है, लेकिन वो कीटोन की मात्रा बढ़ने के कारण वो उसका नेचर चूँकि एसिडिक हो जाता है, तो वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। ये नुकसानदेह प्रक्रिया होती है बॉडी के लिए दोस्तों, नुकसानदेह होता है शरीर के लिए, तो एक कंडीशन होती है। इसके अलावा ग्लाइकोसूरिया होती है। ग्लाइकोसूरिया में कंडीशन दोस्तों ये बनती है कि यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना, इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। तो ये कई सारी कंडीशन डेवलप हो जाती हैं ड्यूरिंग डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये तो कंडीशन हो गए दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कंडीशन में हम किन किन दवाओं का हम सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा ब्रॉड बनेगा दोस्तों, तो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में नहीं करेंगे, इसको अलग अलग वीडियो बना करके उसके अंदर में इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। अब हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में दोस्तों। आज हम एक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एसिडफॉस। एसिडफॉस दोस्तों बहुत अच्छा है, जिसको फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, बहुत अच्छी दवा है डायबिटीज़ के कंडीशन की। इसके सिम्टम क्या क्या पाए जाते हैं? इसका सिम्टम दोस्तों ये होता है कि जो पेशेंट होता है उसको बाथरूम बहुत ज़्यादा लगती है, स्पेशली रात में। रात में बार बार बाथरूम करने के लिए उठता है, जितने ज़्यादा फ्लूइड्स हैं बॉडी में जब निकल जाते हैं तो उसको कमजोरी बहुत ज़्यादा लगती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो वीकनेस हो जाती है, प्यास बहुत लगती है, पेशेंट बार बार ज़्यादा मात्रा में पानी मांगता है, बाथरूम ज़्यादा जाता है, वीकनेस लगती है, शरीर दुबला पतला होना शुरू हो जाता है। और अगर आप इसके हिस्ट्री में जाएंगे तो पेशेंट को कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से वो किसी न किसी कारण से परेशान रहता है, चाहे डिसअपॉइंटेड लव हो या किसी और चीज़ की वजह से मानसिक प्रताड़ना इसके अंदर में रहती है दोस्तों। तो ये कुछ मुख्य सिम्टम हैं एसिडफॉस के, जिसके आधार पर हम इसको तय करते हैं। तो दोस्तों आज की बात बस इतनी है, फिर मिलते हैं इसके आगे और जानकारी के साथ में, जिसमें आपको हम डायबिटीज़ के कारण क्या होते हैं, डायबिटीज़ के और क्या क्या टाइप्स होते हैं, इन सारी चीज़ों पर डिटेल में बातचीत करेंगे। फिर मिलते हैं इसके आगे के वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।